Hello everyone, how's your preparation going on? Me Divakar Rajput, welcome to our show, the official channel of Divakar Education Hub. So guys, आज हम बात करेंगे holding company accounts, हमारी revision की series continue थी, तो उसमें आज हम बात करेंगे holding company account. ये काफ़ी important topic है आपका unit 2 accounting and auditing का काफ़ी important topic है. तो basically आज हम बात करेंगे द theory of holding company account. देखिए accounting में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी accountings आती हो, as per the perspective of UGC NET paper, ठीक है. और आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यू नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सभी एंट्रीज आती हो, ठीक है. आपको बेसिकली यू नो लेज़र बनाना आता हो, यू नो बेसिकली यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि एज पर द प्रस्पेक्टिव ऑफ यूजीसी नेट कि आपको ये सब कुछ ही आते हो. अगर हम जनरल एंट्रीज की बात करें तो बहुत सारी जनरल एंट्रीज होती है, ठीक है. और यू नो बहुत सारे टीचर्स को भी यू नो सारी जनरल एंट्रीज नहीं आती. तो आपको एज पर द यूजीसी नेट के प्रस्पेक्टिव से हर एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि यू नो अगर सपोज कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए. कभी ऐसे तो आता नहीं कि आप जनरल एंट्रीज वहाँ पर बनाओ, ठीक है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो उनके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए. देखिए अकाउंटिंग में बेसिकली यू नो अकाउंटिंग पढ़ने का सबसे बेटर वे जो होता है, जो जनरली फॉलो नहीं किया जाता, स्टार्टिंग से ही हम 12th से फॉलो नहीं करते, वो होता है कि हम बेसिकली न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं. हम यू नो जो थ्योरी आती है बुक्स में, पहले यू नो हर चैप्टर की कुछ थ्योरी आती है, उस पर हम कम कॉन्सेंट्रेट करते हो. और इवन यू नो एक्चुअली में अगर आपको यू नो कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको पहले थ्योरी के गो थ्रू ज़रूर जाना चाहिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए. बट यहाँ पर आपको यूजीसी नेट में इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है. इम्पोर्टेंट है कि आपको पर्टिकुलर सपोज अगर आप काइजन कॉस्टिंग के बारे में हो तो आपको पता होना चाहिए काइजन कॉस्टिंग क्या होती है, ठीक है. ये नहीं कि वहाँ पर आपको भले से ही आपने काइजन कॉस्टिंग कभी उसके अकाउंट्स उसके एंट्रीज ना बनाई हो, बट आपको पता होना चाहिए एजम्पशन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी कॉस्टिंग और एवरी अकाउंटिंग, ठीक है. लाइक ऑडिटिंग पे मैंने कुछ टाइम पहले ही एक लेक्चर बताया था जिसमें बेसिक ऑफ ऑडिटिंग हमने कवर किया था, तो इतना ही आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप क्या पढ़े इस टाइम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टाइम आप रिविज़न पर कॉन्सनट्रेट कीजिए, ठीक है. जो टॉपिक देखिए टॉपिक को रिवाइज ज़रूर करें, ठीक है. अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स बनाना बहुत यू नो बेनिफिशियल हो जाता है दिस टाइम, ठीक है, आपके लिए. तो आप उन्हें ईजिली रिवाइज कर सकते हैं. सो गाइस, उससे पहले बेसिकली हमारा आज फादर्स डे स्पेशल ऑफर है. ऑल यूजीसी नेट अपडेटेड सिलेबस मटेरियल कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पेपर वन के लिए आप डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो नेट GRF. आप हमारी ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 99 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है. देन फर्स्ट हमें कुछ समझना पड़ेगा कुछ टर्म्स को, ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन टू यू नो होल्डिंग कंपनी अकाउंट, ठीक है. पहले आ जाता है मर्जर. देखिए मर्जर क्या होता है. देखिए मर्जर बेसिकली दो कंपनीज आपस में जॉइंट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल हीरो एंड होंडा, जो अब तो डीमर्ज हो गई है, बट पहले वे दोनों आपस में मर्ज हो गई थी. तो इसके यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है मर्जर का जनरली. वैसे आपने मर्जर एंड एक्विजिशन अकाउंट पढ़ा होगा बेसिकली. तो देखिए मर्जर में बेनिफिट ये होता है कि द गुडविल ऑफ बोथ कंपनी एक दूसरे के लिए यू नो बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है, यू नो. और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, ठीक है. देन आपका आ जाता है एमलगीमेशन, ठीक है. एमलगीमेशन में दो एग्जिटिंग कंपनीज को एक न्यू कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है या एक न्यू कंपनी बना ली जाती है. यहाँ पर जो वह एग्जिटिंग कंपनीज थी उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो नहीं रहती उनका नाम, ठीक है. तो इसमें एक बिल्कुल नई कंपनी बना दी जाती है, जॉइंट वेंचर. अब जॉइंट वेंचर भी आपने वेंचर अकाउंट्स पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी में भी है आपका वेंचर के बारे में, ठीक है. तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिवाकर एजुकेशन हब किसी और इंस्टीट्यूट से, सपोज जो कि
आपका सी टैट के लिए प्रिपरेशन करवाता है, ठीक है, यू नो वेंचर कर ले, जॉइंट वेंचर, मतलब आप पर्टिकुलर कोर्सेज हम उनकी वेबसाइट्स पे करवाएं, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर आपका डिपार्टमेंट कह लीजिए या एक पर्टिकुलर थिंग की प्रोडक्शंस के लिए या सर्विस के लिए यू नो वेंचर कर लिया जाता है। आप इसमें भी यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ वेंचर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, और यू नो यहाँ पर कभी यू नो स्टेक भी एक्वायर कर लिया जाता है, ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ वेंचर होते हैं, तो इसमें हम बेसिकली नहीं जाएंगे, ठीक है। देन आपका आता है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट अगर आपने पहले नहीं सुना होगा तो बेसिकली ये भी आपका यू नो सेम ही थिंक है लाइक ए जॉइंट वेंचर। यहाँ पर स्मॉल कंपनीज के स्टेक एक्वायर कर लिए जाते हैं, यहाँ पर बेनिफिट दोनों कंपनीज का होता है, ठीक है। स्मॉल कंपनीज का बेनिफिट ये होता है कि उसे यू नो एक बड़ी कंपनी के साथ अपना नाम एसोसिएट करने का मौका मिल गया है, ठीक है, उसे उसका बेनिफिट्स होगा, ठीक है, तो ये होता है आपका कॉन्ग्लोमरेट। और जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो होते हैं होल्डिंग कंपनी। देखिए होल्डिंग कंपनी बेसिकली वो कंपनी जो एक्वायर करती है और जिसे एक्वायर करती है उसे हम कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। तो सब्सिडियरी कंपनीज बेसिकली वो कंपनी जिसे एक्वायर किया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स ले लिए जाते हैं। अगर हम बात करें कि कब आप सब्सिडियरी कंपनी कह सकते हो, जब आप 51% या हम कहते हैं मोर देन 50% स्टेक्स आप एक्वायर कर लेते हैं किसी कंपनी की, तो आप बेसिकली वहाँ पर आप मेजॉरिटी कंपनी कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि आप होल्डिंग कंपनी कहलाते हैं, वो आपकी सब्सिडियरी बन जाती है, ठीक है। अब हम बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिकली आपका होल्डिंग कंपनीज अकाउंट में कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए बेसिकली आपने पढ़ा होगा, जब एमलगेमेशन आपने यहाँ पर पढ़ा होगा वहाँ पर भी काफ़ी सारे अकाउंट्स यू नो प्रिपेयर किए जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं आपके, जब आपका एमलगेमेशन होता है तो यहाँ पर उसमें भी आपका एक अकाउंट बनता है कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होती है, क्यों प्रिपेयर होती है, ये हम देखेंगे। तो एज पर द सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट 2013, एक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 के अंडर ये आपके कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है। व्हाई कंपनी वांट टू एक्वायर स्टेक। देखिए अब कंपनी स्टेक एक्वायर करना क्यों चाहती है, ठीक है, बेसिकली दो वजह हैं। एक तो बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, सब आपने सुना होगा इक्विटी शेयर होल्डर ही आप बेसिकली ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, ठीक है, तो बीओडी में वो यू नो पार्टिसिपेट होना चाहती है, यानी कि बीओडी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, वो यू नो एज पर द स्टेक परसेंटेज के बेसिस पे होते हैं और वो अपना मेजोरिटी स्टेक रखना चाहती है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो बेसिकली कंट्रोल करने के लिए बेसिकली किसी कंपनी को यू नो सब्सिडरीज कंपनी बनाया जाता है। अगर हम बात करें शेयर स्टेक क्या होता है, मतलब कैसे बेसिकली आप वो क्या सोर्स होता है जिससे कि वो यू नो कंट्रोल करती है किसी कंपनी को, सब्सिडरी बनाती है, तो जनरली इक्विटी शेयर खरीद लीजिए आप, उसके 51% आप इक्विटी शेयर हैं तो आप यू नो आप बेसिकली होल्डिंग कंपनी बन जाओगे, ठीक है, और वो जिस कंपनी के आप शेयर खरीदोगे वो सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। देन सेकेंड यहाँ पर है, या तो आप कन्वर्टिव प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया। अब कन्वर्टिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, देखिए प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर आपने सुना होगा, प्रेफरेंस शेयर में एक यू नो फिक्स रहता है आपका कि यू नो आपको फिक्स इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, बट कन्वर्टिव प्रेफरेंस शेयर्स में आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है, बट ये कभी भी आपके कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। मतलब कि बेसिकली यहाँ पर कन्वर्टिव प्रेफरेंस शेयर क्यों खरीदे जाते हैं कि यू नो एक सर्टेन पीरियड के बाद एज पर द डीड, ठीक है, ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर। अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जाएंगे तो वही आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल स्टेक आपके पास हो जाएगा, ठीक है। देन
एज पर सेक्शन 129 इट्स इम्पोर्टेंट कि यू नो जो एजम्पशंस है वो सेक्शन 129 ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो पेरेंट कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी हैव टू मेक टू अकाउंट्स, पहला अकाउंट सेपरेट अकाउंट एंड कंसोलिडेशन अकाउंट। सेपरेट अकाउंट और कंसोलिडेशन अकाउंट क्या होता है, अभी मैंने कोई डेफिनेशन नहीं बताई इसकी। देखिए सेपरेट अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जो पर्टिकुलर पेरेंट कंपनी अपना बनाती है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अपने ही कंपनी के रखती है, ना कि सब्सिडरीज कंपनी के। पर कंसोलिडेशन अकाउंट में उसे जितने भी सब्सिडरीज है उसकी, जितने भी वेंचर्स है, उन सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर यू नो कंबाइन करने पड़ते हैं, ठीक है, अपनी कंपनी के और जितने भी उसके वेंचर्स हैं, ठीक है, जितने भी उसकी सब्सिडरीज है, उन सभी के कंसोलिडेशन में स्टेटमेंट बनता है, उन सभी में इंक्लूड हो जाते हैं। अब देखिए नोट, सपोज इफ पेरेंट कंपनी हैव ए जॉइंट वेंचर विद अदर कंपनी ऑल्सो हैव टू इंक्लूड इन कंसोलिडेशन अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली यहाँ पर कंसोलिडेशन अकाउंट्स में मान लीजिए कंपनी ए एंड कंपनी बी के बीच में कंसोलिडेशन अकाउंट बनाया, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी ए और कंपनी बी का, सपोज कंपनी ए के और भी कोई वेंचर्स है और भी कोई सब्सिडरी है तो उसे भी इसमें इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। देन आपका आता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। अब यहाँ पर एक प्रोहिबिशन लगा दी है, लिमिटेशन यहाँ पर लगा दी है कि जो सब्सिडरी कंपनी होती है वो कभी भी होल्ड नहीं कर सकती शेयर, द शेयर ऑफ मेजॉरिटी इन होल्डिंग कंपनी। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि सपोज आज मैंने एक कंपनी बी खरीद ली, ठीक है, खरीद ली एक का मतलब कि वहाँ के स्टेक एक्वायर कर लिए, वहाँ पर कंट्रोल कर लिया, वो उसे अपनी सब्सिडरी कंपनी बना ली, ठीक है, देन वो फ्यूचर में यू नो मेरी कंपनी के यानी कि मेरी जो उसकी होल्डिंग कंपनीज के पेरेंट कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती एज पर द अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 के, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। देन यहाँ पर मिनोरिटी इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ता है। मिनोरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन अकाउंट, ठीक है, कंसोलिडेशन स्टेटमेंट का ही ये एक अकाउंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स द बोथ कंपनी शो ऑल द स्टेक नॉट इवन ईच अदर कंपनी बट ऑल्सो द कंपनी अदर कंपनी एज वेल। यहाँ पर जो मिनोरिटी इंटरेस्ट इट्स कैलकुलेट होता है बेसिकली आपका, यहाँ पर सभी कंपनी के यू नो कंपनी ए बी के ही नहीं, अगर ए कंपनी ने सी कंपनी भी एक्वायर कर रखी है तो ए बी एंड सी तीनों का मिनोरिटी इंटरेस्ट निकलता है। चाहे तो ये आप यू नो बेसिकली आप देख सकते हैं कि मिनोरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलता है, ठीक है। अब हम कुछ बेसिकली यहाँ पर थ्योरी ही मैंने आपसे कहा था और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो मिनोरिटी इंटरेस्ट हाउ टू बी कैलकुलेट ये देख सकते हैं, एक बार आप ओवरव्यू ले सकते हैं। फिर आपका आता है स्टैंडर्ड 21, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में इट्स अ क्लियर दैट कि हाउ टू बी मेक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिंसिपल क्या रहेगा, प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन क्या रहेगी, ठीक है। एंड AS-13 जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट जब आपका बेसिकली CFS बनता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जब आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनता है। देखिए आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने जो 51% का शेयर एक्वायर किया है तो वो इन्वेस्टमेंट ही तो है, आपने बेसिकली प्रॉफिट के लिए ही किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस का जो मेन पर्पस रहता है प्रॉफिट ही रहता है, तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इसलिए यहाँ पर बनाया जाता है। इन केस नॉट नीड टू मेक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट, अब किन सर्कमस्टेंसेस में हमें ज़रूरत नहीं होती कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनाने की, व्हेन नॉट एक्वायर फॉर लॉन्ग बट
in case of it sustain for 2 years despite of that make separate account. देखिए basically consolidated statement इसलिए नहीं बनाया जाता या किसी कंपनी को according to you know standards, ठीक है, according to rule, ठीक है, यहाँ पर आप किसी कंपनी को के स्टॉक इसलिए नहीं एक्वायर करते, स्टेक इसलिए नहीं एक्वायर करते ताकि आप सपोज आज मैंने कंपनी बी को एक्वायर किया, ठीक है, सब्सिडरीज कंपनी बनाई, सपोज मैंने सस्ते उसके स्टेक खरीद लिए, अब मैंने 2 महीने के बाद बेच दिए, तो इन दैट केस वो मेरी सब्सिडरीज कंपनी नहीं कहलाई जाएगी एज पर द यू नो स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एज पर द लीगल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप अगर लंबे समय के लिए भी यहाँ पर रखते हैं या 2 ईयर्स के लिए भी यहाँ पर करते हैं तो जब भी आपको बेसिकली यहाँ पर 2 सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट कि आपको बेसिकली यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म, मतलब कोई मर्जर होता है या कोई सब्सिडीज बनती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहनी चाहिए, ना कि आपने उसे अब लिया और कल उसके स्टेक्स मान लीजिए शेयर्स का दाम बढ़ गया तो आपने वहाँ पर बेच दिया, ठीक है। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली देख लेते हैं। ये अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है, ये आपको बनाने पड़ते हैं बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड यू नो स्टेटमेंट का, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये आपका जब एमलगेमेशन होता है जब भी बनता है, रिवैल्यू होती है एसेट्स की। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब गुडविल होता है, ठीक है। प्री एंड पोस्ट एक्वायर प्रॉफिट, ये भी यहाँ पर यू नो डिटरमाइन किया जाता है। तो ये आपके बेसिकली रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, प्री एंड पोस्ट एक्वायर प्रॉफिट। चाहे तो आप इनकी एंट्रीज देख सकते हैं, एक बार ओवरव्यू आप इनके कर सकते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका प्री एंड पोस्ट एक्वायर प्रॉफिट क्या होता है। देखिए सपोज मान लीजिए किसी जिस कंपनी के को के आपने शेयर्स खरीदे हैं मेजोरिटी, वहाँ पर मान लीजिए वहाँ पर सपोज यू नो कोई प्रॉफिट था या आपने कोई कंपनी बेसिकली एक्वायर की है तो वहाँ का जो प्रॉफिट था, ठीक है, तो जब आपने वो स्टेक्स ही वहाँ के ले लिए या वो कंपनी ही एक्वायर कर लिए तो जो वहाँ की यू नो प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही आपके हो जाते हैं, ये आपने मेलगेमेशन मर्जर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जब कोई कंपनी किसी को एक्वायर करती है तो जो प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी के मतलब सब्सिडरीज कंपनी या मर्जर कंपनी के साथ यहाँ पर आता है, ठीक है, तो हम उसे प्री प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है, और इसे हम बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करते, इसे हम शो करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्यों बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे हम इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये तो आपका इन्वेस्टमेंट था, ये आपने अर्न नहीं किया है, ये आपने कमाया नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट था तो उस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो भी आपका अब हो गया है, ठीक है। अब पोस्ट प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट जो कि बेसिकली आप किसी सब्सिडरीज कंपनी को एक्वायर करने के बाद या किसी कंपनी का मर्जर करने के बाद जो आप अवेल करते हैं तो वो आपका अर्न प्रॉफिट रहता है, तो हम उसे पोस्ट प्रॉफिट हम यहाँ पर कहते हैं। तो ऑल ओवर आपको ओवरव्यू पता चल गया होगा, आप चाहे तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स अकाउंट की एंट्रीज देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स देख सकते हैं, गुडविल तो आपने ऑब्वियसली बात है कि यू नो मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेट तो आपने डेफिनेटली इसके गो थ्रू आप गए होंगे, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स क्या कैसे बनते हैं, क्या कितने अकाउंट्स हैं, क्या प्रोसीजर्स रहता है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन।